संवाददाता विष्णु लगातार वहां पर से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विष्णु, अभी आप कहां मौजूद है जरा बताइएगा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि तीनों शवों को पुलिस ने जो है एसडीआरएफ के गोताखोरों ने जवानों ने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। दो सबसे पहले कमल और एक पूर्वी जो मासूम बच्ची थी जो मलबे में दबे हुए थे, पानी में दबे हुए थे, पानी में डूब चुके थे, उनके शवों को सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने रिकवर किया। उसके बाद में अब जो पूजा है जिसकी उम्र करीब 18 से 19 साल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसको भी बाहर निकालने की जो कवायद है वो शुरुआत की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये कि 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार तीनों मासूमों के शवों को जो है रिकवर कर लिया गया है। और अब करीब 20 फुट नीचे जो बेसमेंट बना हुआ था वहां से उनको लाने की, बाहर लाने की कवायद यहां पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। डीसीपी वेस्ट यहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा एसडीएम रैंक के अधिकारी यहां मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ के अलावा नगर निगम और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहां मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तीनों शवों को आखिरकार रिकवर कर लिया गया है और अब बाहर लाने की कवायद उनको यहां पर की जा रही है। सबसे पहले कमल और उसके अलावा पूर्वी के को मलबे के नीचे से निकाला गया था। उसके बाद में अब जो देर हो रही थी वो हो रही थी पूजा की, पूजा को रिकवर करने की। तो आखिरकार पूजा को भी रिकवर कर लिया गया है। माना यही जा रहा है कि तीनों की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर और अब बड़ी मुश्किलों के साथ में ये देखिए शवों को बाहर निकालने की कवायद यहाँ पर की जा रही। चैन बना ली गई है। एम्बुलेंस को, ड्राइवर को यहाँ पर तैयार कर दिया गया है और अब यहाँ पर शवों को बाहर निकालने के लिए ये चैन यहाँ पर बना लिए। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक हैं और यहीं पर देख सकते हैं अब सभी तीनों जो शवों को बाहर लाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। तीनों शवों को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। तीनों शवों को ये बाहर दिया, ये पहले शव को जो है एसडीआरएफ के और सिविल डिफेंस के जवान वो बाहर लेकर के आ गए हैं और उसके बाद अब ये दूसरा शव बाहर लाया जा रहा है इस घर से करीब 15 फीट नीचे बने बेसमेंट से जहां पर पूजा, पूर्वी और कमल बेहद गमगीन माहौल यहां पर इस वक्त यहां पर बना हुआ है। गमगीन माहौल के बीच में, काफ़ी कोहराम के बीच में तीनों शवों को बाहर निकाला गया है। पहले शव को पुलिस ने एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है। पूरे जो मामले की मॉनिटरिंग है, पूरा जो सुपरविजन है वो एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक कर रहे हैं। देख सकते हैं एम्बुलेंस की तरफ जो रोते बिलखते जो परिजन हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। ये दूसरा शव बाहर निकाला गया है। ये दूसरा शव पुलिस ने, एसडीआरएफ के जवानों ने बाहर निकाल लिया है। तब तक दो शवों को बाहर निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है और ये अब तक करीब 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार ये मासूम बच्ची को भी, अब उसके शव को भी, मासूम बच्ची के शव को भी लेकर के एसडीआरएफ के जवान एम्बुलेंस में गए हैं। काफ़ी कोहराम यहाँ पर मचा हुआ है और आखिरकार देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पट्टियाँ मैं दिखा रहा हूँ, न्यूज 18 राजस्थान पर पट्टियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज 18 राजस्थान पर पट्टियाँ हम दिखा रहे हैं जिन पट्टियों के मलबों के नीचे, इन मलबों के नीचे मासूम तीन शव यहाँ पर दबे हुए थे। कितना गहराई में जाकर के पानी भरा हुआ था, ये मकान की दीवार ढहती है, इन दीवारों के नीचे, मलबे के नीचे मासूम पूजा, पूर्वी और कमल यहाँ पर दबते हैं। सबसे पहले कमल अपने परिवार के लोगों को बाहर निकालता है और उसके बाद लेकिन तब तक खुद अपनी जान गंवा देता है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। वापस मैं दिखाऊंगा, देखिए कितनी भारी नीचे की तरफ दीवार है, बहुत ही भारी दीवार थी जो पानी को निकालते वक्त आखिरकार मलबे में ढह चुकी थी। मलबे के नीचे ही पूजा और पूर्वी और कमल जो पड़ोस में रहने वाला बच्चा था वो यहाँ पर दब चुके थे। तो ये मकान का विजुअल और अब यहाँ से शवों को लेकर के एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। काफ़ी कोहराम यहाँ पर मचा हुआ है। देखिए आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। आप कहते थे नीचे सुनील? हाँ जी। कितने, कहाँ दबे हुए थे शव? सब अलग अलग जगह मिले हैं। कहाँ, कैसे? बच्ची थोड़ा सीढ़ियों के पास मिली है, लड़का बीच वाले कमरे में मिला है और लड़की सबसे आगे। माना जा रहा है कि जब पानी भरा होगा तभी बचने के लिए अलग अलग जगह गए होंगे शायद। हाँ, शायद हो सकता है, इसीलिए, वरना तो एक ही जगह पे मिलते। हाँ, एक ही जगह पे मिलते, अलग अलग हो गए। कितनी दिक्कतें आई अंदर जाने में? बहुत दिक्कत आई सर, बहुत प्रॉब्लम। और कौन, कितने लोग आपके साथ में गए थे? हम शुरू में तो दो जने गए थे, मैं और असरार भाई, असरार अहमद जी, फिर राजेश जी। राजेश जी, कहाँ कहाँ शव मिले?
एक तो फर्स्ट रूम में मिला है, ठीक है ना, एक सेकंड में और एक थर्ड रूम में। ये मलबे के नीचे दब चुके थे या बचने के लिए कहीं भागे थे कमरों में? लेडीज थी ना, पहले मड़वा गिरा उसके ऊपर ये गिरी, उसके ऊपर पलंग की वो गिरी हुई थी शीट लकड़ी की, लकड़ी लकड़ी की शीट गिरी हुई थी इस लेडीज पे। तो मैंने जैसे हटाया इसके बाल दिख गए। बच्ची कहाँ मिली? बच्ची फर्स्ट रूम में। फर्स्ट रूम में। और कमल? कमल सेकंड में। तो इसका मतलब है कि तीनों लोग अलग अलग जगहों पर थे। तो सिविल डिफेंस के जवान है संदीप सुनील और राजेश, जो बताना कि किस तरीके से वे लोग शवों को बाहर निकल के लेकर के आए थे। उन्होंने बताया सबसे पहले कि किस तरीके से न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि तीनों जो थे वो अलग अलग कमरों में मौजूद थे। एक कमरे में राजेश था, एक कमरे में कमल था, एक कमरे में पूजा थी, और वहीं पर जो दूसरा बालक था वो जो बालिका थी वो मकान के अहाते में था। राजेश ने बताया न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि जो जो पूजा थी वो पलंग के नीचे दबी हुई थी। ये परिजन है, गमगीन माहौल यहाँ पर है और आक्रोश परिजनों में काफ़ी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए डीसीपी भी समझाइश कर रहे हैं, शांत सांत्वना यहाँ पर दे रहे हैं, डीसीपी यहाँ पर दे रहे हैं। डीसीपी साहब, मैं जानना चाहूँगा शव क्या बाहर निकाल लिए गए? बिल्कुल बाहर निकाल लिए गए। मौतों की पुष्टि हो चुकी है? मौत अभी जिस स्थिति में निकाले बिल्कुल अभी, लेकिन हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मृत्यु हो गई। परिवार को हम लेके अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। परिवार को ले जाया जाएगा शवों को? अभी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल उसमें एक बार लेके जाएगा, ताकि हम कोई आर्थिक मुआवजे की ओर से कोई आपकी ओर से कोई पहल की जाएगी? वो पहले भी आपने ऐसा किया? वो प्रशासन को इसकी इतला दे दी गई, उसके निश्चित तौर पे सरकार के स्तर पे जो बेहतर हो सकता है वो हम परिवार के लिए करेंगे। आने वाले दिनों में ऐसे हादसे ना हो उसके लिए क्या करेंगे? लास्ट सवाल मेरा, ये जितने भी दो तरह की ये समस्याएं बारिश में होती हैं, एक जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है जैसे भी प्रतिष्ठान है जो अपनी लागत बचाने के लिए बेसमेंट में लोगों से कार्य करवा रहे हैं, उनको हम लगातार सील कर रहे हैं, उस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह ये समस्या है कि बहुत सारे लोग जिनका घर खुद नीचे बना हुआ है, बहुत सारे लोग किराएदार के तौर पर नीचे रह रहे हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के पूरे मकान मालिक हैं, किराएदार हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि मकान मालिक अगर उनका खुद का घर है तो वो ऐसे स्थिति में जब बारिश हो रही है तो नीचे की जगहों पर नहीं रहें, किराएदार ऐसी जगहों को छोड़ दें जहां बारिश की संभावना बनी रहती है, बेसमेंट में रहने का इलाका है। बाकी जो प्रतिष्ठान है उनके बारे में हम लोगों लगातार कड़ी कार्रवाई। न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाया किस तरीके से बेसमेंट में अभी पानी भरा हुआ है, लोग वहां रह रहे हैं। बिल्कुल, इस अगर इस कॉलोनी में भी देखें तो कई घर ऐसी अभी तथ्य सामने आए कि जिसमें बेसमेंट में घर बने हुए, तो हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पर नहीं रहें, उनको छोड़ के जाएं। खुद के कुछ लोग खुद के अपने घर हैं तो हम उनसे लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासन की संस्थाओं को इस बारे में अवगत कराया गया। तो ये है डीसीपी वेस्ट अमित कुमार जो बता रहे हैं कि लगातार अपील यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मकान ऐसे बने हुए हैं जिनमें तहखाने बने हुए हैं, बेसमेंट बना हुआ है और बेसमेंट में पानी यहाँ पर भरा हुआ है, तो खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तीन जिंदगियां भले ही यहाँ पर चली गई और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद में आखिरकार अब यहाँ पर प्रशासन वापस से अपने सामान समेटता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। सिविल डिफेंस की जो टीम है, एसडीआरएफ के जवान है, वापस से अपने उपकरण लेकर के औजार, ये जो सामान था जो लेकर के आए थे उनको लेके वापस से बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी जो टीम थी, जो एसडीआरएफ की टीम थी, ये लगातार बाहर आ रही है। कुछ ही चोटें भी, ये चोट आपके ऑपरेशन के दौरान आई है क्या? हाँ सर, ये कुछ मैं दिखा रहा हूँ कि चोट भी ऑपरेशन के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन जवानों के लगी। कहाँ, क्या नाम आपका? बिट्टू गोस्वाल। कैसे लगी आपको? ये नीचे सर्च करने जा रहे थे उस समय पट्टी टूट गई थी। अच्छा, हाँ। तो देखिए, जब एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए इस मकान में उतरे तब भी एक पट्टी यहाँ पर टूट के गिरी, जिसकी वजह से इस एसडीआरएफ के जवान के पैरों में चोट आई है। तो लगभग बहुत ही और कितने आपकी टीम के कितने लोग थे? लगभग 12 लोग हैं हम लोग, और सुबह 5 बजे से हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग पानी निकाला पहले तो 5-6 घंटे, उसके बाद में सर्च किया गया तो एक दो जवानों की चोट भी आई है, क्योंकि पट्टियां टूट गई, काफी अंदर डैमेज हो चुका है काफी। करंट भी आया था करंट वगैरह के तो कोई नहीं। अच्छा, क्योंकि लाइन काट दी गई। कितने घंटे पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? ये 7-8 घंटे हो गए लगभग सर सुबह से। बच्चियां कहाँ मिली, कुछ मालूम चला? बच्चियां नीचे बेसमेंट में मिली और तीनों डेड बॉडी लगभग बेसमेंट के अंदर। आने वाले दिनों में एसडीआरएफ की ओर से कोई यहाँ पे बचाव के लिए कुछ किया जाएगा? बचाव के लिए यही है कि जो सर ये बेसमेंट वगैरह है तो ये लगभग अवैध है एक तरह से, क्योंकि जल भराव वाला क्षेत्र है ये, तो आगे भी ऐसी हो सकती है ऐसी। आप अपने उच्चाधिकारी को बताएंगे एसडीआरएफ? बिल्कुल सर बताएंगे, रिपोर्ट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम आप? राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल। राजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल है, जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एसडीआरएफ के लोग हैं ये अधिकारी, अपने अधिकारी को सूचित करेंगे और नाले की शिकायत भी यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। देखिए वापस एक मकान की बांध के देखिए, ये मकान, ये पड़ोस का मकान था, ये नसीम मास्टर का मकान था, ये मकान भी देखिए आप किस तरीके से बेसमेंट में जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं। इस मकान में भी, ये जो मकान है बेसमेंट का, इसमें भी पानी भरा हुआ है, करीब 20 सीढ़ियां जाकर के नीचे की तरफ जाकर के ये मकान
मकान मकान ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ भी जाए 20 सीटों के नीचे जाके ये मकान बने हुए हैं, बेसमेंट है यहाँ पर। तो ऐसे तमाम ऐसे मकान हैं जिनमें बेसमेंट में काफी गहराई में जाकर के मकान है। तो सरकार को एक बार फिर से न्यूज 18 अपील करता है कि ऐसे मकानों को सर्वे करवाए, इन लोगों को दूर करे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हादसे ना हो, यहाँ पर और किसी की जान ना जाए। जैसे आज एक मासूम बच्चे की जान यहाँ पर गई थी लगातार। ये माता क्या मकान आपका है? जी हाँ, मेरा मकान भर गया था। हाँ, पानी भरा हुआ निकलवा दे बाबू जैसा पानी। कितने लोग रहते नीचे बेसमेंट में? नीचे में सब बहू सब रहती, दो बहू लोग रहते हैं, तभी 5-6-7-10 जने सब रहते हैं। हाँ। बच्चों लगा के 10। आज क्या हुआ था, कहाँ थे जब बारिश आई? हम तो नीचे थे, हम तो ऊपर में रहते हैं, मेरे लिए बनाए। हाँ। नीचे आप बच के आए थे आप लोग? हाँ, बड़ी पानी घुसा हुआ बेटा। हाँ। निकलवा दो बाबू जान निकलवाएंगे। आपने अपने लोगों कैसे बाहर निकाला? हम लोग तो बाहर निकले निकल गए थे हम लोग। हाँ। पानी बरस रहा था तो हम लोग बाहर निकल के बैठे। तो यहाँ पर एक ही मकान ऐसा नहीं है, सारे मकान यहाँ पे लगभग ऐसा है। अब देखिए तमाशबीनों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लग चुका है, लोग यहाँ पर है, छतों पे यहाँ पे मंजर है, किसी की जान चली गई तो कहीं पर कोई किसी के लिए तमाशा बन चुका है। लेकिन दर्दनाक हादसे के बीच में न्यूज 18 राजस्थान की अपील यही कि किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में ये हादसे ना हो, इसके लिए प्रशासन वापस से अपनी आंखें खोले। जो न्यूज 18 राजस्थान ने तस्वीरें दिखाई थी, हमने बताया था कि इस तरीके से बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, आने वाले दिनों में भारी बारिश के बीच में या किसी और आपदा के बीच ये मकान जमींदोज ना हो, इनमें लोग जो है अपनी जान न गंवाएं, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा, सर्वे करवाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा। जी विष्णु, अभी आपने एक बुजुर्ग महिला से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनके घर में भी पानी भरा हुआ है और गुजारिश करती हूँ एक तरीके से नजर आ रही थी कि उनके घर से पानी निकाला जाए। आप क्या ये जानने की कोशिश करिए कर सकते हैं लोगों से कि कितने घरों में अभी पानी भरा हुआ है, जो अपने घरों को छोड़कर अभी ऊपर की तरफ रहने के लिए चले आए हैं? और ये बेहद महत्वपूर्ण है विष्णु कि क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई उनके पास आया है क्या अभी तक उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए? जरा बात करिए। देखिए यहाँ ये जो कॉलोनी है ध्वज नगर के नाम से जो कॉलोनी है, यहाँ पर लगभग एक मकान ऐसा नहीं है जो कि बेसमेंट पे नहीं बना हुआ हो। जिस सड़क पर हम खड़े हैं उस सड़क से करीब 20 फुट नीचे गहराई तक जाकर के इन सभी लोगों के हर एक मकान के कमरे यानी जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में हर मकान में करीब 10 से 15 लोग रहते हैं, चूंकि किराएदार काफी यहाँ पे है और खास तौर पर यूपी और बिहार से आए हुए ऐसे लोग जो जयपुर में मजदूरी करने के लिए आए या किसी भी तरीके से अपना पेट को पालते हैं वो लोग यहाँ पर किराए में गुजर बसर कर रहे हैं। डूब क्षेत्र है, अवैध तरीके से है, इस बात को जिला कलेक्टर खुद हमारे न्यूज 18 के कैमरे पे मान चुके थे। लेकिन अब फिर से मैं अपील यही रहेगी कि यहाँ पर और हादसे ना हो, कुछ लोगों से और बात। देखिए अब उस शवों को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर अब जो है वापस से यहाँ पर जो कोशिश है वो वापस जारी, जो सामान यहाँ पर था वो यहाँ पर उसको किया जा रहा है। वापस से तस्वीरें दिखाएंगे, इसी मकान की तस्वीरें हम दिखाएंगे, इसी मकान को हमने बताया था कि किस तरीके से मकान जमींदोज हो गया था यहाँ पर। ये मकान में अब लोग एंट्री, लेकिन मकान में जो बाकी लोग हैं उनकी एंट्री को यहाँ पर रोक लिया गया है। सिविल डिफेंस की टीम है जिन्होंने कुछ देर पहले ही इन तीनों को निकाला था। हमने बताया था किस तरीके से पूजा, कमल और पूर्वी मकान के अलग अहाते में मिले हैं। असरार से हम बात करेंगे। आप यहाँ पर पिछले 8 घंटे से हो, अंदर भी आप गए थे जी, क्या स्थिति थी अंदर की? आप सर, अंदर की स्थिति है कि जो बेसमेंट जो है, एक बेसमेंट है और बेसमेंट के अंदर जो बेसमेंट है वो कोलैप्स हो चुका है और वो उसके अंदर से पट्टियां ऐसे लटकी हुई हैं, कातले लटके हुए हैं। और हमने स्टार्ट किया और वन बाई वन हमने सर्च किया और एक एक कैजुअलिटी को ला करके हमने सेफ जोन में रखा। और कहाँ कहाँ शव मिले? ये हमारे को रूमों के अंदर मिले, अलग अलग जगह, अलग अलग तीनों अलग अलग स्थान पर मिले। उससे क्या माना जा सकता है, क्या बचने के लिए? बचने के प्रयास किए उन्होंने अपने स्तर पे और बचने की कोशिश की। पुराने सिविल डिफेंस के बहुत पुराने जो एक जानकार हैं, गोताखोर हैं, कई जगहों पर इन्होंने अपनी भूमिका अदा की और बता रहे हैं किस तरीके से सबसे पहले जब मकान में पानी भरा, मकान की दीवारें ढही, तब इन कमल, पूर्वी और एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा क्या इन्होंने बचने की कोशिश की होगी, लगता है ऐसा? सर, उनको देख करके लगता है कि उन्होंने बचने की कोशिश की है, कि ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश की, पलंग पर चढ़ने की कोशिश की, सामान से अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। उन्होंने सर्वाइव तो किया मगर वो सर्वाइव में वो कामयाब नहीं हुआ। तो असरार बता रहे किस तरीके से जब मकान में पानी भरा, मंगलवार ढहा,
तब बचने के लिए काफी जिद्दोजहद हुई होगी अंदर कमल और पूर्वी ने उस बच्ची को, मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वे नाकाम रहे। किस्मत को कुछ और मंजूर था, लेकिन अब और किसी की किस्मत में ये मौतें ना हो इसके लिए प्रशासन को जागना जरूरी है। ये ऐसी अपील बार बार न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है, आने वाले दिनों में ऐसे हादसे यहाँ पर ना हो, मौतें ना हो, इसकी अपील हम यहाँ पर अपने। विष्णु, आप SDRF के जवानों के साथ मौजूद हैं, जरा इनसे ये भी बातचीत करिए और पूछने की कोशिश करिए कि क्या जो संसाधन इनको उपलब्ध करवाए गए थे पानी निकासी के लिए और रेस्क्यू के लिए, वो पर्याप्त थे? नगर निगम में कोई 20 बार 10 लीटर लगा चुके हम। असरा जी, आप लोग जो उपकरण यहाँ पर लेकर के आए थे, बार बार मोटरें बदली गई, पाइप फट रहे थे, क्या अच्छे संसाधन नहीं? सर, इसमें क्या है कि हर स्थान के लिए अलग अलग उसके जो सक्शन पाइप हैं वो अलग अलग साइज के हैं, और अलग अलग साइज के अभी जैसे कि एक नाले के अंदर से अगर हमें पानी निकालना हो तो उसके अंदर 10 से 15 फीट के करीब पानी निकालने के लिए सक्शन पाइप है। फिर उसके बाद में हमने सेकंड में किया कि जब पानी कम रह गया और हमारे वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा था तो हमने एक पोर्टेबल पंप लगाया और पोर्टेबल पंप लगा करके पानी को बाहर निकाला। अधिकारी आए आपके यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, अधिकारी आए थे और कलेक्टर साहब खुद भी मौके पर। आपको कहना कि आपके जो इंतजाम है पूरे थे, पुख्ता थे? बिल्कुल। 8 घंटे क्यों लगे छोटे से मकान? सर, पानी का बहाव पीछे 4 प्लाटों के अंदर पानी भरा हुआ था और पीछे का फ्लो भी इधर आ रहा था इस साइड में। पीछे एक मकान में एक होल रखा है बहुत बड़ा 3 फीट का, और वहां से सारा पानी इसमें अंदर आ गया। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सिविल डिफेंस के तौर पर आप क्या रिपोर्ट कलेक्टर तक पहुंचाएंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा जो लोलाइन एरिया में रह रहे हैं लोग बाग, तो उनको ये चाहिए कि जब भी अगर बारिश आ रही है तो कृपया सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और विष्णु, इंतजाम पुख्ता थे तो फटे पाइप के जरिए पानी क्यों निकाला जा रहा था वहां पर? सिविल डिफेंस की जो अपनी जान पर खेल करके इनको बाहर लेकर के आए थे, ये पूरे सिविल डिफेंस के जवान हैं, क्या रहा आज? सर देखिए, बड़ा डिफिकल्ट रेस्क्यू था, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 8 घंटे कैसे लग गए, बड़ा डिफिकल्ट था इसमें अंदर जाना, पट्टियाँ लटकी हुई है, दीवार टूटी हुई है, अगर कोई भी रेस्क्यूअर के साथ कुछ हादसा होने की संभावना फुल थी, लेकिन हमने श्योरिंग करके और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और हमने तीनों बॉडीज को रिकवर किया जी। तो देखिए, सिविल डिफेंस के जवान हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस विपरीत परिस्थिति में जाकर के इन्होंने तीनों शवों को बाहर निकाला, हालांकि 8 घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार इनकी मेहनत जो थी वो पूरी हुई, कामयाब हुई। लेकिन गमगीन बात यही, एक दुख की बात यही कि 3 जाने इस हादसे में यहाँ पर चली गई जिनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आने वाले दिनों में और हादसे यहाँ पर ना, उसके लिए प्रशासन को एक बार फिर से सतर्क होने की जरूरत है जी। ठीक है विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको इस बड़ी खबर के बारे में अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।